Okay, dear student, now we are going to solve question number 9. If the sum of first 7 terms, students, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms and sum of 17 terms is equal to 289, then find the sum of first n terms. Okay? स्टूडेंट सम ऑफ 7 टर्म्स गिवेन है, सम ऑफ 17 टर्म्स गिवेन है एंड सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर सॉल्विंग स्टूडेंट्स ओपन द फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d एंड देयरफॉर सम ऑफ n n इज इक्वल टू 7. तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2 इनटू a प्लस 7 माइनस 1 6d. स्टूडेंट्स सम ऑफ 7 टर्म्स दैट इज 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इक्वल टू, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहां पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस 3d. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड ये 7 से यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 5. सिमिलरली सम ऑफ 17 टर्म्स, सो डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर रहे हैं 17 अपॉन 2 सम ऑफ 17 टर्म्स आर गिवन 259. ओके 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इन 2d इज इक्वल टू 289. सो स्टूडेंट्स 17 अपॉन 2 ब्रेकेट 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289. इसमें 17 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, 289 17 का स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आपका 17 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 अपॉन 2 इन 2 हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. 2 से 2 कैंसिल आउट, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2nd. स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2nd, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2nd. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1st एंड a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2nd. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, एक्चुअली स्टूडेंट हमने पहले इसको राइट कर दिया, पहले इसको हमें राइट करना था तो सब्ट्रैक्ट करना, एक्चुअली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम लोग चेंज कर देते हैं, यहां पे हम चेंज कर दिए 2nd फ्रॉम 1st. ओके आंसर सेम आएगा, माइनस माइनस एंड माइनस, 8 में कैंसिल आउट हो गया, ये आपका माइनस 5d इक्वल टू आपका माइनस का 10 एंड d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2 एंड d की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो d की वैल्यू हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a एंड 1 इज इक्वल टू a. तो सम दैट इज फर्स्ट टर्म क्या फाइंड हो गया, 1 फाइंड हो गया. अब हम लोगों को फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म. सम ऑफ nth टर्म होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d. स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो n की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि nth टर्म का ही सम हम लोग फाइंड करना है, बट a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है हमारे पास 2, इसको भी हम लोग पुट कर देंगे एंड ये आपका हो जाएगा n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2. ओके माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n स्क्वायर स्टूडेंट्स. ओके